नेक्स्ट शीट नंबर 18 के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था वैसे तो, पर बता देता हूँ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लेना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेना, डॉट प्रोडक्ट ले लेना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, सॉल्व करके आपके पास डिनोमिनेटर 784 का अंडर रूट है जो कि 28 होता है, सॉल्व करके आपके पास हाफ आएगा, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। अगला भी सेम है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है, एम की वैल्यू निकाल लो, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो आपने क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो जीरो ले लेना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, आंसर एम की वैल्यू आ जाएगी। पिछली शीट में भी सेम क्वेश्चन था। जैसे नेक्स्ट है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, ये परपेंडिकुलर है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू क्या, जीरो। आई वाली टर्म आई के साथ, तो ये आएगा टू ए स्क्वायर, जे वाली टर्म जे के साथ, के वाली टर्म के साथ, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बनेगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, ए की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों निकाल के आंसर मार्क कर देना। तो ये स्टेप भी सबको क्लियर है। जैसे नेक्स्ट है, फाइंड एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ वेक्टर, आसान है, एंगल निकालना है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, वही ओल्ड फॉर्मूला, कॉस थीटा की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, फिर ऐसे ही कॉस थीटा सॉल्व करके ना माइनस वन आएगा, माइनस वन का मतलब थीटा क्या आएगा, 180 आएगा। सेम है नेक्स्ट पार्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, बहुत अच्छे एंगल नहीं आएंगे, 79 डिग्रीज में आप नहीं निकाल पाएंगे, कॉस थीटा इसके इक्वल आएगा, आपको कॉस इनवर्स ये लिखना पड़ेगा, ऐसे छोड़ना पड़ेगा इसे। जैसे इसके अंदर भी सेम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, एंगल निकालने का तरीका सबको आ गया। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई को आई जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है बस, आंसर माइनस थ्री आंसर है, क्योंकि बाकियों को डॉट प्रोडक्ट लेके फायदा है नहीं, बाकियों का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही आएगा। ये भी क्लियर है यहाँ तक। जैसे डॉट प्रोडक्ट है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, जे है ही नहीं तो आई को आई के साथ आंसर क्या आएगा, सिक्स। तो डॉट प्रोडक्ट भी आता है निकालना। आपको एक फोर्स गिवन है पी वेक्टर एक्ट्स ऑन दी पार्टिकल, और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी करवा रही है, इतनी करवा रही है, वर्क डन निकालना है। तो इसमें आपको सीधी ही डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसमें फोर्स एफ की जगह पी लेने को बोल रहा है, तो पी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, पी वेक्टर पता है, डॉट एस वेक्टर पता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, निकल जाएगा आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है, आपको फोर्स वेक्टर गिवन है और एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है फ्रॉम पोजीशन दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो मैंने आपको शॉर्टकट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सिखाया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आप दोनों पोजीशन वेक्टर को माइनस करके क्या निकालेंगे, एस वेक्टर निकालेंगे। आपको फोर्स वेक्टर तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप दोनों को माइनस करके निकालेंगे, और एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर से, डॉट प्रोडक्ट से, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, देख रहे हो, दो तीन बार कर लिए, समझ में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। इसमें करेक्शन है, इसके अंदर गिवन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, आपको ये ए वेक्टर नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन है, करेक्शन कर लो, और आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेक्शन कर लो, ये गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गिवन है, इन्हें ऐड कर लो, ऐड करोगे तो बी वेक्टर से बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या आएगा, टू ए वेक्टर, आई वाली टर्म आई में, जे वाली जे में, के वाली के में ऐड करके आंसर आएगा। ए वेक्टर क्या होगा, टू से इसे डिवाइड करके ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? और अगर ए वेक्टर आ गया तो बी वेक्टर भी आ जाएगा, कैसे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल, तो ये टू बी वेक्टर हो जाएगा, ये पूरी तीनों के तीनों टर्म नेगेटिव,
फिर आई को आए जे जे के सॉल्व करके टू बी वैक्टर ये आएगा, चेक कर लो, मैंने एक स्टेप में ओरली कर लिया, तो ये टू बी वैक्टर आएगा, बी वैक्टर को टू से डिवाइड करके बी वैक्टर आएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई जे के कोफिशेंट का स्क्वायर। तो ये स्टेप क्लियर है कि दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर वो कह रहे हैं ए वैक्टर बी वैक्टर आ गया तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल दें, ए वैक्टर आप निकाल चुके हैं, बी वैक्टर आप निकाल चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, ए वैक्टर की जगह ए वैक्टर, बी वैक्टर की जगह बी वैक्टर, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर -25। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? ठीक, कोई डाउट इसमें? देने अगली बार क्वेश्चन टेस्ट में बता रहा हूँ आपको, फिर मत कहना कि यार वो समझ में नहीं आया था या आया था, देख लो, प्रैक्टिस कर लो, इतने डॉट प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, इस तरह को दिखाएगा भी कैसे, बोर्ड में तो हो भी नहीं सकते इतने, पर समझ तो आ रहा है कि हर क्वेश्चन में करना कैसे। नेक्स्ट है, फोर्स वेक्टर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, टाइम भी गिवन है, पावर निकालनी है। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बाय टाइम। एफ वेक्टर गिवन है, एस वेक्टर गिवन है, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में टाइम, आई वाली टर्म को आई के साथ, जे वाली टर्म को जे के साथ, ये 15 आएगा और ये नहीं, जे और के तो जीरो हो जाएगा, 15 ही आएगा, 15/3, 5। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? क्लियर है? कुछ नहीं कर रहे यार, एक क्वेश्चन को 3-3 बार देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, यही तो इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। एक बार में भी कभी किसी को समझ में आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, बार 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 वही क्वेश्चन घुमा घुमा के, ताकि मतलब प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि बंदा कहे यार ये तो आता ही है, या तो 100 बार क्या हुआ है बस, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस करवाने की, बार बार प्रैक्टिस करवाना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट है, रिजल्टेंट ऑफ दी वेक्टर्स गिवन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, करो थीटा, करेक्शन है थीटा, रिजल्टेंट थीटा एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस, आपको थीटा बताना है। पहले निकाल लो रिजल्टेंट, बोलो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। तो पहले निकलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, इस वेक्टर रिजल्टेंट ने एंगल बनाया एक्स के साथ थीटा। अब एंगल निकालने का तरीका क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, तो एक वेक्टर कौन है, आर वेक्टर, और दूसरा ये एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स के साथ कौन सा वेक्टर होता है बाय डिफॉल्ट, आई कैप, डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, और आई का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। आर वेक्टर आपको पता है डॉट आई कैप, आर का मैग्नीट्यूड निकल आएगा √8² 7² 9² और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो इन्हें आई को आई से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। आगे मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं, तो कॉस इनवर्स में आंसर छोड़ दिया। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे होगा? तो पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा और फिर वो आर वेक्टर आई कैप के साथ एंगल बनाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था। पहली बात तो इसकी करेक्शन करो, इसे बहुत टाइम खराब किया, 3i-2j+k, ये करेक्शन करो। ठीक है, अब मेथड बताओ कैसे। अच्छा, करना क्या है डिस्कस कर ले पहले। तीन वेक्टर गिवन है, दे फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, दे फॉर्म अ राइट ट्राइंगल के केस में आपको बताना है कि, या शो करना है दे फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, ऐसे तीन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, बस बताओ। बिल्कुल ना, प्रूफ करना है 90 डिग्री है, होगा नहीं। ठीक है, तुमने डॉट प्रोडक्ट लिया इसका,
आया, ए और सी मतलब ओके okay. कई तरीके हैं, ओके okay. मैं ना कई इसके ऑप्शन बताता हूँ। देखो पहली चीज, मैंने तो सिंपल एक काम किया, ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, सी वेक्टर गिवन था। पहले मेरे दिमाग में एक ही आई कि मैं ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। मैंने बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैंने सी का भी निकाल दिया, मैंने पाइथागोरस लगा के देखी, इसका और इसका स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है। मैंने कहा हो गया 90 डिग्री, बन गया 90। एक साइड 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो पक्का 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल में बनेगा। हो गया, इसमें भी हो गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, वहीं से पता लग रहा है पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, और अगर पाइथागोरस अप्लाई हो रही है इसका मतलब 90 डिग्री बनेगा। सही है, सबसे आसान तरीका ये है, कुछ करना ही नहीं है। कोई डाउट इसमें? आई होप पसंद आया। पर फिर आप ये सोच रहे होंगे ये इतना लाल क्यों किया हुआ है। मतलब वो तो ठीक है, मेथड 2 तो ठीक है, इतना छोटा आंसर था फिर ये क्या किया हुआ है, इसको देखते हैं। मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, देखो जरा, पहला मेथड तो क्लियर हो गया, ए बी सी का मैग, चलो यहाँ से बात नहीं बनी, चलो पता नहीं ड्यू टू एनी रीज़न नहीं बनी, या आपका माइंड में आइडिया ही नहीं आया ऐसा करने का, तो आपका मेथड है वो कह रही है कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर साइड ऑफ ट्राइंगल है तो किन्हीं भी हिट एंड ट्रायल है, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो, इसका इसका लेके देख लो, आंसर जीरो होना चाहिए। चलो नहीं आया कोई बात नहीं, बी और सी का देख देख लो, जीरो आया कोई बात नहीं, सी और ए का तो पक्का आएगा। किन्हीं दो वेक्टर का भी अगर डॉट प्रोडक्ट बीच में जीरो आ गया, इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री पक्का होगा ही होगा, सेकेंड मेथड सही है। तो फिर ये क्या है, देखो अगर सपोज वो ये कहता है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ले लो, और सपोज करो वो साइड ऑफ ट्राइंगल है ही नहीं, वो तो पॉइंट्स हैं 3 ए बी सी। अब मुझे ये बताओ कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे, तो आप कितना भी ट्राई कर लें आपका आंसर 90 डिग्री आएगा ही नहीं, जबकि होगा राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे कहने का मतलब जो मैंने आपको दो मेथड भी बताए उसमें मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि जैसे सपोज जो भी मैंने दो मेथड बताए उसमें ये बता रहा हूं कि उनमें से ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कुछ ऐसे साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर
कर रहे हैं तो आप मेरे मेथड नंबर 1 और 2 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलो उसने बोला ही नहीं साइड ऑफ ट्राइंगल है, उसने कहा जी बस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ले जाओ और देखो क्या इससे जो ट्राइंगल बनेगा ए बी सी से क्या वो राइट एंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हो सकता है वो साइड ऑफ ट्राइंगल ना भी हो। तो अगर साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं होंगे फिर क्या होंगे, वो गिवन होंगे आपके पोजीशन वेक्टर्स, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है जिसको ओ ए वेक्टर लिखते हैं, उसने आपको ए वेक्टर मीन पोजीशन वेक्टर दिया, उसने बी वेक्टर आपको कोई पोजीशन वेक्टर दिया, उसने सी वेक्टर आपको पोजीशन वेक्टर दिया, तुम खाम खाई डॉट प्रोडक्ट लिए जा रहे हो, इनका कहां से 90 आएगा। अब ये जो मेथड नंबर 1 और 2 हमने शॉर्टकट मारा ये तो तब सही है जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, या वो साथ में ये भी दे कि सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब कि सी वेक्टर यानी कि उसका रिजल्टेंट है, इसका सी वेक्टर रिजल्टेंट है, इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर आर साइड ऑफ ट्राइंगल और सी वेक्टर क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट है। सही है यहाँ तक? अगर ऐसा हो तो ठीक है वो मेथड चलेंगे। वैसे पहली बार अगर मेरे को क्वेश्चन दोगे मैं पहला मेथड ही लगाऊंगा बिना देखे कि क्या है क्या नहीं, आ गया तो आ गया, चलो नहीं आया फिर मैं ध्यान से पढ़ा क्यों नहीं आया, तो देखा कि वो तो उसकी पोजीशन वेक्टर दिए जा रहे हैं, ट्राइंगल तो यार यहाँ जाके बनने वाला है कुछ, ट्राइंगल तो ऐसे बनेगा और ये वेक्टर तो मुझे गिवन ही नहीं है, तो अब मुझे निकालने पड़ेंगे ये वेक्टर्स कैसे। जैसे सपोज ये किया हुआ है, जैसे सपोज ये ए बी सी वेक्टर्स हैं, तो जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल ली थी दो पोजीशन वेक्टर को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, वैसे कैसे, जैसे मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर में मैं बी वेक्टर में से ए वेक्टर को क्या कर दूंगा माइनस, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा, साइड ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी। जैसे मेरे को बी सी वेक्टर निकालना है तो मैं सी वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस कर दूंगा, जैसे मेरे को सी ए वेक्टर निकालना है तो मैं ए वेक्टर में से सी वेक्टर को माइनस करके साइड ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, अब वो शॉर्टकट लगाऊंगा जो आपको भी मैंने बताई, तो ये स्टेप मेरे बढ़ जाएंगे अगर ए बी सी पॉइंट्स ऑफ या वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन हो और साइड ऑफ ट्राइंगल ना गिवन हो। वैसे 90% केस में या 99% केस में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर साइड ऑफ ट्राइंगल ही होते हैं, बाई चांस 1% आंसर फिर भी ना आया तो फिर यही करना पड़ेगा आपको, साइड ऑफ ट्राइंगल पहले वेक्टर से माइनस कर करके निकालने पड़ेंगे फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है कि ऐसा कब होगा? वैसे ऐसा रेयर है, वो तो मेरे को इसलिए करना पड़ गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये वैल्यू गलत है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर साइड ऑफ ट्राइंगल होंगे ही नहीं मेरे को लगा, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने साइड्स निकाल ली, फिर मैंने छोड़ दिया इसे क्योंकि मैंने देखा इससे भी आंसर नहीं आया, फिर मैं समझ गया ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि अगर उससे नहीं आया इससे भी नहीं आया फिर ये क्वेश्चन ही गलत, फिर देखा वाकई क्वेश्चन गलत था, यहाँ पर 2J था, फिर उससे भी आ गया, फिर शॉर्टकट ही लग गया। तो इसलिए ये मेथड तो मैंने बनाया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है इसको तोड़ करने का। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से आ जाएगा आंसर, दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और साथ में गिवन है सी वेक्टर ए वेक्टर तो बी वेक्टर, इसका मतलब सी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, तो क्या ये राइट एंगल होगा? होगा, पाइथागोरस लग तो रही है, 17 का स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस लग रही है, इनमें से एक एंगल पक्का 90 डिग्री होगा ही होगा। सही है यहाँ तक? नेक्स्ट है ये कितने हुआ, हो गया ए वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है ए और बी में। तो जल्दबाजी में काफ़ी लोग ऐसा कर देते हैं, वो कहते हैं अच्छा अच्छा ये तो आता है, कैसे आता है, वो कहेंगे ए वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू कॉस थीटा, वेयर एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, बी एंड सी, क्योंकि मैंने दो वेक्टर किसको माइनस किया, बी एंड सी, पर एंगल किसके किस में पूछा गया, ए एंड बी, तो मत करना, ए और बी पूछा, पहले ए और बी को एक तरफ ले जाओ, सी वेक्टर एक तरफ ए और बी एक तरफ, तो सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब लगाओ सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयरिंग करके 2ab cos थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ,
कॉस थीटा आ गया, थीटा कॉस इनवर्स आ गया, यही प्रूव करने आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है क्वेश्चन। ये हमने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आपने पुट करना होता है, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये हमने लास्ट टाइम शीट में कर ही लिया था, सेम क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, जिसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कहा था ओपन कर लेना, डॉट प्रोडक्ट है आपकी हैंड एंड शीट पे लास्ट लेक्चर में करवाया था।